दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं और आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर कंपनी आपने छोड़ दिया है और आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन नहीं हुआ है और आप अपना पीएफ अकाउंट से एडवांस के तौर पर कुछ पैसा निकासी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे लेटेस्ट प्रोसेस के साथ मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट से एडवांस के तौर पर कुछ पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 31 किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, फॉर्म 31 अप्लाई करने के क्या होता है सही तरीका, वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन, देन आपको सर्च करना है। उसके बाद नीचे आएगा तो जो भी पफो का ऑप्शन वेबसाइट होता है सबसे ऊपर मेन नजर आता होगा, तो आपको पहला ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जनरली यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिल जाता है, इस अलर्ट के ऊपर से आपको क्रॉस करना है या फिर नीचे ओके का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे लॉग इन पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे आप अपना पीएफ अकाउंट से एडवांस के तौर पर कुछ पैसा निकासी करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट में लॉग इन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉग इन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा वो आपको पहला कॉलम में फिलअप करना है, देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे वो आपको दूसरा कॉलम में फिलअप करना है। बाय चांस अगर अपना यूएन का पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस कंडीशन में आपको फॉरगेट करना होगा, उसके लिए नीचे ही देखिए फॉरगेट पासवर्ड का सेक्शन मिल जाता है तो इस पर क्लिक करके आप फॉरगेट कर लीजिएगा ताकि आपका एक नया पासवर्ड बन जाए। जब आपका नया पासवर्ड बन जाएगा तभी आप यहाँ पे फिलअप कीजिएगा या फिर अगर आपको याद है फिलअप कीजिए, देन नीचे कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। कैप्चा कोड अगर आपको समझ नहीं आता होगा तो यहाँ पे रिफ्रेश का आइकन है तो इस पर क्लिक करके आप दूसरा कैप्चा कोड भी यहाँ पे मंगा सकते हैं। तो सभी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे साइन इन का ऑप्शन है तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जैसे कि ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट नजर आता होगा। तो जो भी ओटीपी होता है 6 डिजिट का होता है, एक बार एसएमएस चेक कीजिए वहां पे एक 6 डिजिट का ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप करना है, देन नीचे एक कैप्चा कोड मिल जाता है सेम कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना है, देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉग इन हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक अलर्ट हो जाता है, इस अलर्ट को पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं, बेसिकली जो अलर्ट दिखाया जा रहा है ई नॉमिनेशन को लेकर के। अगर अभी तक अपना पीएफ अकाउंट नॉमिनी को एड नहीं किया है, नॉमिनी को एड करना चाहते हैं तो फिर आपको फिल नो पर क्लिक करके नॉमिनी आप यहीं से ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आपको क्रॉस करना होगा, उसके लिए ऊपर देखिए क्रॉस का आइकन है तो इस पर आपको क्लिक करना है या फिर नीचे देखिए लेटर का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको लेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है, जैसे कि सबसे पहले आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पर नजर आता होगा। अब यहाँ पे आपको अपना पीएफ अकाउंट से एडवांस के तौर पर कुछ पैसा निकासी करना है, उससे पहले एक बार अपना केवाईसी चेकआउट कर लीजिए कि आपका केवाईसी में बैंक वैसे अपडेट है या नहीं। उसके लिए ऊपर में देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है मैनेज, तो इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद नीचे ही आएगा तो यहाँ पर देखिए केवाईसी का ऑप्शन मिल जाता है तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका केवाईसी वाला सेक्शन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखना होता है करेंट एक्टिव केवाईसी, और करेंट एक्टिव केवाईसी के नीचे ही देखिए यहाँ पर नजर आता है यूएन नंबर और डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पे बैंक नजर आता होगा। बेसिकली एडवांस क्लेम कर रहे हैं तो आपका बैंक केवाईसी होना काफी ज्यादा कंपलसरी होता है, बैंक केवाईसी यहाँ पे अपडेट है और स्टेटस आपको चेकआउट कर लेना है। स्टेटस में यहाँ पे वेरीफाई और ऑनलाइन पे बैंक लिखा हुआ नजर आना चाहिए तो यहाँ पे अप्रूव लिखा हुआ नजर आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका वेरीफाई हो चुका है, आपका बैंक के वैसे अपडेट है, तभी आप एडवांस के तौर पे कुछ पैसा निकासी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बैंक के वैसे अपडेट है, अब यहाँ पे पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म आपको 31 आपको अप्लाई करना होगा। उसके लिए ऊपर में देखिए ऑनलाइन सर्विस का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है, देन पहला ही ऑप्शन मिल जाता है क्लैम फॉर्म 31-19-10C, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट बैंक अकाउंट लिंक है केवाईसी में उसका जो अकाउंट नंबर है वो सबसे पहले इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है। अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद सबसे पहले आपको एक बार वेरीफाई करना होगा, चेक करना होगा, तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है वेरीफाई का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो आपका अकाउंट नंबर होता है वो सक्सेसफुली यहाँ से वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना होगा, उसके लिए आपको एस पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट नंबर था वो वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक में एक टिक यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे एडवांस के तौर पर कुछ पैसा निकासी करना है, उसके लिए यहाँ पे नीचे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, और यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन है, उसी के नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है पीएफ एडवांस फॉर्म 31। के तौर पे कुछ पैसा निकासी करने के लिए यहाँ पे फॉर्म 31 ही अप्लाई किया जाता है, तो इसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। तो नीचे जब आएगा तो यहाँ पे देखिए काफी सारा ऑप्शन आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे सिलेक्ट सर्विस का,
यहाँ पे बेसिकली आपको मेंबर आईडी आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप किस कंपनी से एडवांस के तौर पे कुछ पैसा निकासी करना चाहते हैं। उसके लिए आपको सिलेक्ट सर्विस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेंबर आईडी आपके पास शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक भी शो हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी शो हो सकता है। जिस प्रकार से आपने कंपनी में काम किया होगा उसके हिसाब से यहाँ पे मेंबर आईडी शो होता है। जैसे कि मैंने दो कंपनी में काम किया तो दो मेंबर आईडी यहाँ पे शो रहा है। अब जिस मेंबर आईडी से पैसा निकासी करना चाहते हैं वो मेंबर आईडी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। देन नीचे यहाँ पे देखिए पर्पस आपको सिलेक्ट करना होगा, पारा सिलेक्ट करना होगा, क्यों निकासी करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट पारा पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका सर्विस हिस्ट्री के अनुसार ही आपका जो पारा होता है वो यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो जिस कारणवश आप अपना पैसा निकासी करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे पारा सिलेक्ट करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक पारा मैं आपको प्रिफर कर रहा हूँ। इस पारा के माध्यम से 75% तक पैसा निकासी कर सकते हैं और इस पारा को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो 100% आपका गारंटी रहता है कि जो भी आपका क्लेम होता है वो आपका सेटलमेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए इनलेस का पारा नजर आता होगा तो आपको भी इनलेस ही सिलेक्ट करना है या फिर अपने आवश्यकता अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे इनलेस ही पारा मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो आपको भी इनलेस सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे अमाउंट आपको फिलअप करना है, कितना निकासी करना चाहता है। जैसे मैं 30,000 निकासी करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने 30,000 फिलअप किया। ठीक है, उसके बाद नीचे आना, यहाँ पे एड्रेस आपको फिलअप करना है। जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पे फिलअप कीजिए। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे विलेज का नाम देना है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम देना है और उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका स्टेट होगा वो यहाँ सबको सेलेक्ट करना है। देन जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको सिटी का नाम देना है। यहाँ पे जो भी आपका एरिया पिन कोड नंबर होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे पासबुक या फिर कैंसिल चेक अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक नया अपडेट लाया गया है। नया अपडेट में कुछ कुछ कंडीशन, कुछ ऐसे पीएफ मेंबर हैं जो अगर अपना क्लेम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे कैंसिल चेक या तो फिर पासबुक अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, फिलहाल तो इसमें अभी अपडेट करने का, अपलोड करने का ऑप्शन आया हुआ है, लेकिन एक बार अपना चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपके पास अपलोड करने का ऑप्शन आता होगा तो अपलोड कीजिएगा। अगर अदरवाइज अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता होगा तो आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नया अपडेट आया है, ये तुरंत ही अपडेट हुआ है, कुछ दिन ही हुआ है, जिसकी वजह से सभी पीएफ मेंबर के रोल आउट नहीं किया गया। कुछ पीएफ मेंबर में यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत पड़ रहा है, कुछ में यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत पड़ रहा है, तो बेसिकली जो भी आपका पीएफ अकाउंट बैंक से अपडेट है उसका कैंसिल चेक या फिर पासबुक आपको अपलोड करना होगा। शायद यहाँ पे 100 KB से लेकर के 500 KB में आपको रखना होता है। ठीक है, एक सिंपल से इमेज में ही आपका अपलोड करना होगा, पीडीएफ फाइल में यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा। ठीक है, अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल है, तो इस पर क्लिक करके आपको अपना गैलरी से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिया, अपलोड कर देने के बाद एक बार आपको व्यू पर क्लिक करके एक बार आपको देख लेना है। अगर यहाँ पे व्यू हो जाता है तो फाइनली आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही से अपलोड हुआ। अगर नहीं भी होता है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट आपको दोबारा से स्कैन करना होगा या फिर फोटो वगैरह खींच करके सही से फॉर्मेट वगैरह बना करके आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है। देन आपको गेट आधार ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके जो भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जैसे कि हमें देखिए ओटीपी सेंड हो चुका है, आपके मोबाइल नंबर भी सेंड आ चुका है, मेरे मोबाइल पर आ चुका है। तो चलिए जो भी ओटीपी आता है वो यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया हूँ। देन आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो आपका एडवांस क्लेम फॉर्म था वो सक्सेसफुली यहाँ से सबमिट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नजर आता होगा पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। अब बेसिकली एक यहाँ पे पीडीएफ फाइल जनरेट होता है, अगर आप देखना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं क्लिक हेयर पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं और अपने पास सेव करके भी रख सकते हैं एज ए सर्विस रिकॉर्ड के लिए, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं होता है। तो चलिए अब आपको टाइम टू टाइम स्टेटस भी चेकआउट करना होता है, स्टेटस किस प्रकार से चेकआउट कर सकते हैं चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए ऊपर में देखिए ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मिल जाता है ट्रैक क्लेम स्टेटस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेटस होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। जो स्टेटस होता है सबसे ऊपर में होता है, जैसे कि पहला कॉलम यहाँ पे नजर आता होगा इसी कॉलम में आपका स्टेटस होता है। ठीक है, अगर वहां से अपने पीडीएफ फाइल को डाउनलोड नहीं किया होगा तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अभी फॉर्म तो सबमिट हुआ है तो ऑनलाइन क्लेम सबमिट एट पोर्टल पर अभी सबमिट हुआ है। उसके बाद जो आपका रीजनल पीओ ऑफिस होता है वहां पर जाएगा आपका फॉर्म और वहां पर जो रीजनल पीओ ऑफिस होते हैं वो आपका फॉर्म को चेकआउट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका क्लेम वगैरह होता है वो सेटलमेंट किया जाता है। तो जैसे ही आपका सेटलमेंट हो जाता है उसके बाद 24-48 घंटा जो भी आपका पैसा होता है वो डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 2 दिन में ही आपका सेटलमेंट हो जाए, 3 दिन में ही हो जाए या फिर 24-48 घंटा में भी हो जाए, इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। यहाँ पे करीबन समय लग जाता है 5 से 10 दिन। 5 से 10 दिन के अंदर में जो भी आपका अमाउंट होता है वो आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो टाइम टू टाइम यहाँ पर स्टेटस चेकआउट करते रहिएगा और उतना समय तक आपको वेट करना होगा। कभी कभी 5 दिन से पहले भी हो सकता है और कभी कभी 5 दिन से थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। तो आप वेट कीजिए जब तक आपका अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ना हो जाए। तो कुछ इसी प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट से एडवांस के तौर पे कुछ पैसा निकासी कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बता दी हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है।